नमस्ते अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में पारस डिफेंस की बात करेंगे। आईपीओ स्टेटस आपने चेक कर लिया होगा। कुछ लोग बोल रहे थे कि सर मिलता भी है किसी को, तो भाई हमारी जान पहचान में एक भाई साहब को मिला है, काफ़ी खुश हैं, छोटे से हैं भाई साहब, छोटे से मतलब अभी एज काफ़ी कम है तो इन्जॉयमेंट और ज़्यादा होगी। आपको पता है कि 18-20 साल के लड़कों को जब आईपीओ लग जाता है समझ लीजिए वो आसमान पर होते हैं, तो इन्जॉय कर रहे हैं ये भाई साहब अभिषेक मिश्रा जी, इनको इन्जॉय करने दीजिए। आई होप आप में से जिसको भी मिला हो वो पारस की कीमत समझता है और उसको होल्ड करने की कोशिश ज़रूर करेगा। प्रॉफिट बुकिंग बिल्कुल बनती है क्योंकि इतने छोटे समय में जब पैसा डबल हो जाता है तो आपको उसको एंजॉय करना चाहिए। लेकिन इस स्टॉक की कीमत रियलिटी में आप 10 साल बाद देखोगे ना तो दंग रह जाओगे। देखिए कुछ भी हो सकता है, स्टॉक मार्केट है, यहाँ कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन जिस हिसाब से इस कंपनी का पोर्टफोलियो है ना दोस्त, जो यहाँ पर प्रोडक्ट्स हैं ना दोस्त, वो कमाल हैं, बहुत कमाल हैं। आपको मैं नाम पढ़ के भी नहीं सुना सकता, इतने ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं इनके, और इनमें से कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो मतलब ऑफिशियली केवल यही बनाते हैं। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा था ना कि ये कंपनी, इसके जैसी कोई कंपनी स्टॉक मार्केट में है ही नहीं, इंडिया के बाज़ार में ऐसी कोई कंपनी है ही नहीं। और जितने भी यहाँ पर प्रोडक्ट्स हैं, आईआर लेंसेस हो गए, ठीक है, मेटल मिरर्स हो गए, ये बहुत हाई डिमांड में जाने वाले हैं आने वाले समय में। आत्मनिर्भर भारत के तहत ये कंपनी कमाल करेगी। प्लस स्पेस एंड डिफेंस टेक्नोलॉजी इंडिया में इवॉल्व हो रही है, बहुत बड़ा स्कोप है, भारत पूरी दुनिया को हथियार बेचेगा और वहाँ पर इस कंपनी की जो डिमांड है वो बहुत ऊपर जा सकती है, और इसी कारण इस कंपनी को इतना भयंकर प्रीमियम बाजार देना चाह रही है, बाजार देगी। ठीक, अब कुछ और बातें हम आपको समझाएंगे। कुछ लोग नाराज हो जाते हैं कि जो आईपीओ अलॉटमेंट होता है उसका प्रोसेस एकदम ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो बिल्कुल मैं भी यही चाहता हूँ सभी से कि वो कंपनियों को बोले भाई 5-10 रुपये हमसे ले लो, 10-5 रुपये जो भी आपका बनता है, लेकिन हमको ट्रांसपेरेंट तरीका दिखाओ कि आप कैसे अलॉट करते हो, किसको आपने नहीं दिया, कैसे आप सेलेक्ट करते हो, कैसे चीज़ें होती हैं। जैसे लकी ड्रॉ भी होता है, जैसे कसिनो वगैरह जो लोग गोवा गए होंगे खेलते हैं तो उनको भी पता है कि ऐसे गोल चक्कर घुमाते हैं, भले वहाँ पर फ्रॉड में मानता हूँ होता है, लेकिन कम से कम गोल गोल के हमारे सामने आता तो है कि ये टिक गया हमारे ऊपर, हमारी लॉटरी लग गई। तो बस ऐसे ही मैं भी चाहता हूँ कि कोई प्रोसेस ऐसा हो ट्रांसपेरेंट, भले 5-10 रुपये एक्स्ट्रा ले लें कि भैया आप 14,875 ये हमारे आईपीओ का प्राइस था, 5 रुपये हमने दे दिया। जिसको जानना है कि भाई साहब हाँ अगर हमको नहीं मिलता तो हमें बताइए कि आपने कैसे किया, ये सब चीज़ें हो सकती हैं, समय लगेगा लेकिन होंगी ज़रूर आने वाले समय में। ट्रांसपेरेंट तरीके होंगे जो हम सबको एक भरोसा दिलाएंगे कि हाँ भैया चीज़ें ऐसे ही काम करती हैं। तो बिल्कुल आईपीओ मिलते हैं लोगों को, लोग इन्जॉय भी करते हैं। अब बात कर लेते हैं लिस्टिंग स्ट्रैटेजी की, लेकिन उससे पहले आपको दिखाएंगे क्या ग्रे मार्केट प्रीमियम। भाई साहब ग्रे मार्केट प्रीमियम तो कमाल का चल रहा है, कितना चल रहा है ज़रा देख लेते हैं। 30 सितंबर 7:30, जी हाँ 19,220 रुपये, ये कमाल है। और मैं आपको एक बात बहुत स्ट्रिक्टली बताना चाहता हूँ कि इस कंपनी का शेयर जो भी पाया है 2-4 शेयर ज़रूर रख लेना लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब मैं तो कहता हूँ कि आपको रखना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा कि आप जितना पैसा इन्वेस्ट किए थे उसका 33% पैसा, ठीक है, 1/4 भी आप कर सकते हो, लेकिन बेस्ट केस सिनेरियो रहेगा 1/3 आप रख लो। क्यों रख लो, क्यों आपको मैं 5,000 रुपये के शेयर्स इसके रखने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि वो 5,000 के शेयर्स की वैल्यू आपको 10 साल बाद समझ में आएगी। मैंने आपको बोला है ना कि मुझे ये उन चुनिंदा कंपनियों में से दिखाई देती है जो अगले 10 साल में 10 गुना होने का दमखम रखते हैं। जी हाँ, जिस तरीके से इंडिया की ग्रोथ प्रेडिक्टर है, जिस तरीके से सरकार का फोकस है, जिस तरीके से ओवरऑल सिचुएशन बनी है देश में, 10 साल में 10 गुना तक ये शेयर भाग सकता है, तो आपको तैयारी यहाँ पर ज़रूर रखनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं लिस्टिंग स्ट्रैटेजी की। 175+240 रुपये प्रीमियम, कुल मिलाकर जोड़ जाड़ के आप अप्रॉक्सीमेटली 400 के आसपास की लिस्टिंग मान लीजिए। कोई भी स्टॉक अगर 100% से ज़्यादा प्रीमियम पर लिस्ट होता है तो बहुत चांसेस ये होते हैं उसके कि वहाँ पर और डिमांड आए। अब वो डिप लेकर डिमांड आती है कि वहीं से डिमांड आ जाती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जिनके पास भी आईपीओ लगा हुआ है, मैं उनसे रिक्वेस्ट यही कर सकता हूँ कि आपको ऐसे ही अगर 120-130% का गेन मिल चुका है, आप 20% का रिस्क ले लीजिए, मान लीजिए कि ये लोअर सर्किट पर लग जाएगा। वर्स्ट के सिचुएशन आपके साथ क्या हो सकती है कि ये 400 पे खुलता है और 320 पे बंद हो जाता है, ठीक है, वर्स्ट के सिचुएशन यही हो सकती है। यहाँ पर भी आपका पैसा डबल है, फिर से कह रहा हूँ, यहाँ पर भी आपका पैसा डबल है, आप डबल पैसा लेकर बाहर आ जाओ। अगर आप इतना अफोर्ड कर सकते हो तो आप कीजिए। मेरे हिसाब से जहाँ पर ये खुले वहाँ पर आपको 40% क्वांटिटी बुक कर लेनी चाहिए। अब ये 40% क्वांटिटी कितनी होती है, लगभग 30-35 शेयर्स, हाँ 30-35 शेयर्स आपको बुक कर लेने चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, इंतजार करना चाहिए, जैसे कि या तो लोअर सर्किट लगेगा तो आप बेच लीजिए, अपर सर्किट लगेगा तो आप बेच लीजिए। लोअर सर्किट लगने पर भी आप यहाँ पर एग्जिट कैसे कर पाओगे, इसके लिए आपको इंतजार करना होगा। जैसे ही 19-18% के आसपास आए आप वहाँ पर एग्जिट कर लीजिए, क्योंकि बहुत चांसेस है अब वहाँ पर डिमांड आने की संभावना कम रहेगी।
सिचुएशन कैसे बनेगी, अपर सर्किट लग सकता है, 20% ऊपर जा सकता है, 20% लोअर जा सकता है, तो बेस्ट केस सिनेरियो क्या है, जहाँ पर खुले वहाँ पर कुछ पार्शियल प्रॉफिट बुक कीजिए, सबकी अपनी अपनी ख्वाहिश होती है। अब मैं एक स्टूडेंट को क्या सलाह दे सकता हूँ, भैया आपके पैसे डबल हुए हैं, चुपचाप बाहर हो जाओ, बाजार को स्टेबल होने दो, स्टॉक को स्टेबल होने दो, क्योंकि ऐसा तो है नहीं, उड़ता ही जाएगा, कहीं ना कहीं रुकेगा, समय बिताएगा, प्रॉफिट्स बढ़िया दिखाएगा, और वहाँ पर आप ब्रेकआउट पर ट्रेड लीजिए, या जब एक्युमुलेशन जोन कोई बना ले आप वहाँ पर ट्रेड लीजिए। ऐसा नहीं है कि मैंने 10 सालों और 12 सालों की बात की है तो आप आज ही खरीद के बैठे रहो, आप 5 साल बाद भी खरीदोगे और हो सकता है वहाँ से ये उड़ जाए, तो 2-4-5 साल हो सकता है रिटर्न ना दे। तो ये सारी चीज़ें आपके ऊपर हैं। अब जिनके पास बिल्कुल शेयर है ही नहीं उनको मैं क्या बताना चाहता हूँ, जिनके पास शेयर है मैं उनको खास कर क्या कह रहा हूँ, कुछ शेयर्स रख करके आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है, करनी है, करनी है। जो लोग 20% लोअर सर्किट अफोर्ड कर सकते हैं उनको रुकना चाहिए, क्योंकि बेस्ट केस सिनेरियो में आपको ये 20% का अपर सर्किट भी दे सकता है, और जब आपका शेयर 20% ऊपर भागेगा यानी कि 5-6 हज़ार आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट ये दे जाएगा, 20 से 26 हज़ार आपका ग्रे मार्केट प्रीमियम समझ लिए हो गया। तो ये आपके ऊपर है, आप क्या करते हो वहाँ पर आपका डिसीजन। अब जिनके पास नहीं है शेयर उनको मैं कुछ बातें बता रहा हूँ, आपको इंतज़ार करना है लगभग 40 से 50 मिनट, यानी कि 5 मिनट की 8 से 10 कैंडल्स का इंतज़ार करना है, उसके बाद 2 मिनट की 3 कैंडल्स आपको पॉजिटिव देखनी है, ये तब आपको देखनी है जब ये लगातार बन जाए, ठीक है। वॉल्यूम यहाँ पर ठीक ठाक थोड़ा सा हो जाए तो अच्छी बात है, उसके बाद जब आपको एक रेड कैंडल मिल जाए, ठीक है, मतलब तीन कैंडल्स आपको पॉजिटिव मिल जाए, एक रेड कैंडल मिल जाए, मतलब कि अभी स्टेबिलिटी बाजार थोड़ी सी ढूंढ रही है इस स्टॉक में, और वहाँ पर फिर से आपको बाइंग देखने को मिले, मतलब एक और ग्रीन कैंडल, यानी कि 5 में से जब आपको 4 ग्रीन कैंडल्स मिल जाएं, जिसमें से 3 लगातार होनी चाहिए, देन यू कैन गो विथ दिस स्टॉक। याद रखिएगा ये काम आपको 50 मिनट बाद 40 मिनट बाद करना है, 3 ग्रीन कैंडल्स 2 मिनट की चाहिए, उसके बाद एक रेड भी बन जाए चलेगा, उसके बाद अगर सारी सारी ग्रीन भी बन जाती हैं थोड़ा सा रिट्रेसमेंट का वेट जरूर कीजिएगा, रिट्रेसमेंट का वेट करके ट्रेड करोगे अच्छा रहेगा। फंसिएगा मत, स्टॉप लॉसेस मेंटेन कीजिए, रिस्क रिवार्ड 1:1.5 का रखिएगा, ठीक है, 1:1.5 का यहाँ पर इसलिए क्योंकि वोलाटाइल थोड़ा सा रहेगा, और 1:2 इसलिए नहीं मैं आपको दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर चीज़ें बहुत ही मतलब बैक टेस्टेड है नहीं, पहले दिन स्टॉक आ रहा है, क्या कौन करेगा, कौन कहाँ शेयर बेच के भागेगा, कौन क्या कर जाएगा, हमको नहीं पता, किसको कहाँ बेचना है हमें नहीं पता, कौन बड़ा प्लेयर कहाँ आकर गेम खेलेगा, लेकिन मुझे बहुत उम्मीद है इस स्टॉक से, इस कंपनी से। मैंने आपको बोला ना, ये पोर्टफोलियो आप इनके देख लोगे मतलब नाम पढ़ते पढ़ते हम थक जाएंगे, इतने कमाल कमाल के ये बनाते हैं प्रोडक्ट्स, शायद हमने नाम भी 90% प्रोडक्ट्स का नहीं सुना होगा, कुछ हैं जिनके मैंने नाम सुने थे, बाकी अब क्या कहें, 90 क्या, आप में से बहुत से लोग तो 95% प्रोडक्ट्स के इनके नाम भी नहीं सुने होंगे, और ये सब प्रोडक्ट्स हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स हैं। हाँ बिल्कुल, रिसर्च लगती है, समय लगता है, इसीलिए हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स हैं, और इसी कारण इनको प्रीमियम भी दिया जा रहा है, आपको ये बात पता है। तो स्ट्रैटेजी मैंने उनके लिए भी बता दी, जिनके पास शेयर हैं, जिनके पास नहीं है उनको भी बता दी। एक बात याद रखिएगा, 10 बजे सुबह ये कंपनी लिस्ट होगी, उसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अभी डीमैट में जिनके नहीं आया होगा वो सुबह 8 बजे के आसपास चेक करेंगे उनके डीमैट में आया होगा। अगर आपको अभी जाकर चेक करना है तो आप ईजी, ये CDSL की वेबसाइट है, CDSL के थ्रू ईजी पर जाकर बना लीजिए, वहाँ पर आपको शेयर्स जो हैं वो शो कर रहे होंगे। जिनका रिफंड अभी तक नहीं आया है उनको मैक्सिमम अभी 3 या 4 दिन और वेट करना पड़ सकता है, बाकी मोस्ट प्रोबेबली आपका रिफंड आ चुका होगा। हाँ तो बस यही सब बातें थी, कोई सवाल हो तो नीचे पूछिएगा, अगर मैं कुछ मिस किया हूँ तो आपको कमेंट के थ्रू बता दूंगा, या फिर हमारी कम्युनिटी वाले 2-4 लोग बहुत बेहतरीन हैं जो आपको तुरंत जवाब देते हैं, कुछ भी सवाल आप पूछ लीजिए। अभी हम आपसे अलविदा ले रहे हैं, वीडियो देखने के लिए आपका आभार। ग्रे मार्केट प्रीमियम आप यहाँ पर आकर चेक कर सकते हो, सुबह थोड़ा सा चेंज हो सकता है, बाजार का मूड माहौल भी थोड़ा सा यहाँ पर मतलब खलल डाल सकता है, तो थोड़ा आपको इंतजार जरूर करना चाहिए। अभी हम आपसे अलविदा ले रहे हैं, जल्दी मिलते हैं, वीडियो देखने के लिए आपका आभार, वीडियो पसंद आए तो लाइक करके जाना, नमस्कार।